चलो फिर सर, चलिए चलिए आपको सी ऑफ करते हैं नीचे। फाइनली सब लोग आ गए जितने मेहमान थे हमारे। वी फ्रॉम डीआरडीओ। ओके। और ये है हमारे टीसीएल से हैं। टीसीएल से ये जॉब कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सहरी के टाइम से, बिकॉज आज का जो पूरा व्लॉग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरे दिन के रोजे का जो शेड्यूल है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज थोड़ा खास दिन भी है क्योंकि हमने अपने कुछ दोस्तों को इफ्तार के लिए दावत भी दिया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सहरी से ही स्टार्ट किया जाए व्लॉग। देखो शकील सोया हुआ है तो उसको उठा लेते हैं। शकील उठ जा भाई, टाइम हो गया सहरी का। अभी चलेंगे सहरी खाने के लिए मस्जिद कुबा में। अगर आपको नहीं पता है, हमने सहरी के लिए अलग से इन्फॉर्मेशन जो है हमने व्लॉग में दिया हुआ है, अगर नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। वैसे ये देख रहे हैं तो आपको पता ही चल जाएगा कि बेंगलोर में मोस्ट ऑफ़ दी मस्जिद में सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। चलते हैं सहरी करते हैं, उसके बाद फिर आगे का दिनचर्या हम आपको दिखाएंगे, बिकॉज हमारे काफ़ी सारे दोस्त आने वाले, बहुत सारी तैयारी करनी है, आज बहुत काम करना पड़ेगा हमें। तो शकील तैयार है, शकील चल निकलते हैं। ओके, बाहर अंधेरा अंधेरा है। क्या ब्रो, वीडियो देख लिया? वीडियो देख लिए हैं, थोड़ा सा एडिट भी किए हैं, उसमें क्लिप ऐड किए हैं और एक्सपोर्ट पे लगा दिए हैं। हाँ, हमको लगता है एक घंटा और लगेगा एक्सपोर्ट। एक घंटा अभी तो कुछ ना, अभी 44% हुआ है। तो एक घंटा लगेगा। अच्छा, बहुत टाइम लग रहा है। चलो कोई दूसरा लैपटॉप ले लेते हैं। चले आके लेते हैं। चलो थोड़ा सा देख घूम करके आएंगे, देखेंगे। चल आज चलेंगे एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर आज चलेंगे। हैं? हाँ चलो ठीक है, देख लेते हैं कौन सा अच्छा है। हाँ थोड़ा सा नहीं चल पा रहा है, नहीं होगा तो ईएमआई पे ही ले लेंगे। वैसे भाई दोस्तों देखो, अगर आप लोगों के पास, अगर किसी के पास भी अगर है और अगर वो सेल करना चाहता है पुराना, ज़्यादा पुराना होगा तो नहीं लेंगे, एक साल दो साल अगर पुराना होगा तो फिर ले लेंगे। रिकेश नरुल्ले भाई आए हैं हमसे मिलने के लिए। एक्चुअली इनको एक इंस्टीट्यूट में जाना है और विज़िट करना है, डेटा साइंस के इंस्टीट्यूट में। कल ऑलरेडी हम लोग वीडियो बनाए थे, एक और हमारा दोस्त सब्सक्राइबर जो कि ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट में यहाँ पढ़ रहा है, तो उसको अपनी भाभी के लिए जो है एडमिशन लेना, इंक्वायरी करना, तो उसके साथ हम लोग गए थे। आज ये नागपुर से आए हैं तो इनसे भी बात करते हैं। इनका जो इंटरव्यू वाला वीडियो है वो इसके बाद आ जाएगा, ये तो हमारा डेली व्लॉग है। अभी देखो सो करके उठे हैं दोपहर में तो अब आए भाई, तो हमने सोचा कि एक छोटा सा, क्योंकि इंटरेस्टिंग है इनकी जो कहानी है, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी है इनको, टीचिंग कर चुके हैं, इंडस्ट्री लेवल पर काम कर चुके हैं, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस सरकारी में रेलवे में जॉब, मतलब रेलवे में ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए थे, लास्ट में शायद मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो अभी यहाँ पे आए, इनसे बात करते हैं। और ये देखिए हमारे भाई अभी व्हाइट फील्ड में रहते हैं, नागपुर से आए हैं, इनसे बात करते हैं, आपको भी बताएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ये वाला जो व्लॉग है हमारा तो डेली व्लॉग है, सेपरेट व्लॉग इनका वो अलग आएगा इसके बाद। चलो फिर सर, चलिए चलिए आपको सी ऑफ करते हैं नीचे। वो बोले ना बाइक वाला, ठीक है बाय। अभी अभी जस्ट हमने व्लॉग अपलोड कर दिया है, यूट्यूब पे आ गया, इसको अब थोड़ा देर रेस्ट देंगे और नया व्लॉग शुरू कर देंगे। लेकिन आज इफ्तार पार्टी है हमारे घर में और हमने रखा है इफ्तार पार्टी। साकिब अरे भाई टाइम हो गया यार, चलो चलेंगे बाहर। अभी एक काम करो, यहाँ पे हमने देखिए चना फुला के हम रखे थे, ये है बहुत ज़्यादा चना है इसमें, इतना बड़ा बर्तन है और इफ्तार पार्टी के लिए है ये। तो एक काम करो साकिब, इसको भाई तुम चढ़ा दो, ठीक है, कुकर में चढ़ा दो और स्लो आंच पे छोड़ दो और बाहर चलते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं और इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, शरबत बना के फ्रिज में रख देंगे। हम तो बोले हैं कि सबसे पहले बर्तन धुल लें। बर्तन की कोई, उसमें कोई वैसा बर्तन नहीं है, बस प्लेट धुल लेंगे। कुकर तो धुला हुआ है। नहीं बस प्लेट धुल लेंगे, प्लेट की ज़रूरत होगी हमको, ग्लास की ज़रूरत होगी, ग्लास धुल लेंगे, प्लेट धुल लेंगे। चढ़ा देते हैं, उसको चढ़ाओ और चल के कुछ फ्रूट्स लेके आते हैं। तो फाइनली इफ्तार की तैयारी में लग गए, हमने चना चढ़ा दिया है और अब थोड़ा फ्रूट्स ले लेते हैं। नहीं अमरूद रहने दो, खा लिए ना, अमरूद से मन भर गया।
तो ग्रेप्स मिल रहा है 80 रुपीज़ के जी। ये देखो कोई खाता है, किसी को पसंद है तो ये भी मिलता है, निकाल के पूरा खोआ उसका देता है खाने के लिए। ये है भाई साहब, इनका है कितने का है भाई ये एक? 40 रुपीज़ वन पीस, एक पीस 40 रुपीज़ का, उसमें तीन निकलता है, बड़ा छोटा दोनों सेम रेट, सब सेम है, तीन पीस निकलेगा 40 रुपीज़ में। और यहाँ देखो ये साकिब ले रहा है फ्रूट्स, चलो हाफ के जी एकदम परफेक्ट है। ये एप्पल, एप्पल कितना लेगा? हाँ दो पीस एप्पल ले लो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। पपीता ले रहे हैं? हाँ एक पपीता निकालो, ऐसा निकालो कि मीडियम साइज़ का होगा और दो दिन चले। ये वाला अबे ज़्यादा बड़ा हो गया अबे, अरे बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, नहीं भाई सही। थोड़ा लाइट मारता हुआ लेना, जिसमें लाइट मार रहा है। कौन लाइट मारता है? अभी मीठा नहीं रहता है, साला पिचका हुआ रहता ना, मीठा नहीं रहता, ये थोड़ा मीठा रहेगा। चल भाई ले लो जो तुम्हारा मन कर रहा है ले लो। टोटल कितना हुआ? टोटल रिटर्न हुआ ना हमारा। ऑनलाइन पेमेंट आज सुबह में चला था कि भाई ऑनलाइन पेमेंट पे चार्ज लगेगा 1.1% अगर 2000 से ज़्यादा करते हैं। मैं अपना ATM कार्ड ढूंढने लगा था, फिर पता चला कि नहीं फेक है, रूमर फैला है वैसे ही, नहीं तो सारा पेमेंट हम लोग दिन भर ऑनलाइन ही करते हैं, काफ़ी चार्ज देना पड़ जाता। अब हमें बनाना है बैगनी, तो बैगनी के लिए बैगन लेना है, शरबत के लिए नींबू लेना है। नींबू एक मिलता है 5 रुपये का, ठीक है आप कोई भी उठा सकते हो। नींबू हो गया, ये देखो मिर्चे का बनाएगा मिर्चा पकौड़ा, और एक बैगन ले लेते हैं। ग्रीन ग्रेप्स यहाँ 89 है, हमने वहाँ से 80 का लिया है। ब्लैक ग्रेप्स 159 है, वहाँ 140 का था शायद कुछ, तो बाहर से लो। और देखो आम कितना मस्त आम आ गया है, कितना रसीला रसीला जूसी जूसी आम है। चलो बाद में ले, लेकिन इसमें स्मेल नहीं है। अच्छा इसका हो गया भाई, ये अंडा कैसे है? ऑलमोस्ट 40 मिनट बचे हैं, इसको हमने साफ़ किया है, पोछा लगाया है, क्योंकि जो भी मेहमान होंगे हमारे इधर बैठेंगे, दस्तखान लगेगा, शाही दस्तखान। और यहाँ देखिए चना घुगनी बनके तैयार है, बहुत ही लजीज लग रहा है देखने में। शरबत मैंने बना दिया है, शाही शरबत देख रहे हो, इसको पियोगे मज़ा आ जाएगा। अब इसमें ठंडा पानी मिलाना है, ऑलरेडी आधा मिला दिया है। और साथ में यहाँ बन रहा है पकौड़ा, बैगनी बन चुका है, ये बैगन का पकौड़ा है और ये मिर्चे का पकौड़ा, ये देखो निकल रहा है, बहुत पतला हो गया साके वो पद का, इसको एक बार और लगाना होगा। तो ये आपका हो गया मिर्चे का पकौड़ा, एक बार और थोड़ा मोटा करना था उसको। और इसके बाद बनेगा पनीर पकौड़ा, और उसके बाद बनेगा प्याज का पकौड़ा, चार पकौड़ा। उसके बाद फ्रूट्स हम काटने वाले हैं, टाइम कम है तो जल्दी जल्दी फ्रूट्स काटते हैं। फाइनली वक्त आ गया है, हमारे ऑलमोस्ट सभी मेहमान आ गए हैं और ऑलमोस्ट अजान का टाइम हो गया है, 3 मिनट है, अभी 2 लोग और आने हैं। ये देखिए क्या क्या बना है आज, हमने क्या क्या प्रिपेयर किया है। ये है चना, इसमें पकौड़ा, गिन लो कितने तरह का पकौड़ा है, जलेबी है, खजूर है, पपीता है, घुगनी है। गुनाह किए सबको तू माफ फरमा, या अल्लाह जो गुनाह हमने दिन के उजाले में किए उसे भी तू माफ फरमा, जो रात के अंधेरे में हुए उसे भी तू माफ फरमा, जो जानबूझ कर किए उसे भी तू माफ फरमा, जो अनजाने में हुए उसे भी तू माफ फरमा, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह जो भी परेशान हाल इस दुनिया में उनकी परेशानियों को दूर फरमा, या अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल अदाए व मुस्तजिब अता फरमा, या अल्लाह जो रोजी की तंगी से जूझ रहे हैं या अल्लाह उनके लिए रिस्क का इंतजाम फरमा, कायदे मदद फरमा, या अल्लाह जो भी अपने घरों से बाहर है, दूर है अपने रिश्तेदार से, अपने माँ बाप से, भाई बहन से दूर है, इस मकसद से भी दूर है, इस मकसद में कामयाबी अता फरमा, या अल्लाह। फाइनली सब लोग आ गए जितने मेहमान थे हमारे, और यहाँ इफ्तार चल रहा है।
वी फ्रॉम डीआरडीओ। ओके, और आप कहाँ से हैं? एंड आई एम फ्रॉम द इंजीनियर्स फिजिक्स, नासा से। और ये है हमारे टीसीएल से हैं। टीसीएल से ये जॉब कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं, अपने घर से। अपने घर से हैं। इसमें जॉब किसके किसके लगी हुई है? जंगल से हैं। देखिए, इनकी जॉब लगी हुई है। इनकी लगी हुई है, इनकी लगी हुई है। और इनकी लगी हुई है जॉब? जी। और ये झारखंड से हैं। तुम्हारी नहीं लगी होता है? नहीं, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। काहे नहीं लगा जॉब? डिलॉइट का इंतजार कर रहे हैं, इंटरव्यू वाला कॉल करेगा डिलॉइट सर। यहीं पे पढ़ते हैं भाई, आसपास में। ठीक है, ये मेरे कॉलेज के जूनियर भी हैं और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग वगैरह में ट्यूशन करते हैं और कोर्स वगैरह करते हैं। कैसे चल रहा है? सही है। तुम्हारा लगा कि नहीं? मेरा भी प्रोसेस में है। प्रोसेस में है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। अच्छा, चलो बढ़िया है। एक बार जो है ना, सबका हम लोग लेकर के आएंगे सेपरेट वन बाई वन इंटरव्यू वाला वीडियो। बिल्कुल, कैसा है इफ्तार? पपीता बहुत अच्छा है। इसको टेस्ट किया, ये कैसा है? औसम है। तो काफी अच्छे अमाउंट में इफ्तार बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल, सब जा रहा है। ठीक है, तब निकला जाए। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं सर। ठीक है, वालेकुम सलाम। थैंक्स फॉर द ट्रीट। बाय बाय गाइस। चलिए निकलिए, आप लोग को सी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। और आराम से रहो, कोई दिक्कत हो तो फिर बताना हमको। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल टच में रहेंगे। एक आप ही तो है सर जो बेंगलोर में हम लोगों का थोड़ा सपोर्ट करते हैं। नहीं तो पीजी में। और तुम अभी कहाँ जाएगा? डीआरडीओ इसका एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे इंटरव्यू वाला। और बताएंगे क्या क्या जॉब है, कैसे है, क्या क्या काम करता है। चलिए ठीक है, जूता तो बहुत अच्छा है आपका। शुक्रिया सर। कल अभी थोड़े दिन पहले जुमा था ना, मैं मस्जिद से लाया ये। ये काम इसका है, जॉब लेस है ना। नहीं, सबको जॉब लग जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। चलो ठीक है, अल्लाह ठीक है, ठीक है। तो सब लोग तो चले गए हैं, पार्टी तो हो गई है ख़त्म। ये देखिए कितना चना बचा है इसके अंदर। और इस साइड दिखाएं, ये कचरा निकल गया है इसमें, इसको फेंकना भी है। ये सारा इतना सारा बर्तन लग गया है, ये ग्लास धुलना है, ये बचा है तो इसको फ्रिज में डाल देंगे, कल इससे बन जाएगा। पूरा क्लीन करना है अब। बहुत मज़ा आया भाई इफ्तार पार्टी करके। मेरे सारे दोस्त लोग आए थे, उसमें से काफ़ी सारे लोगों का प्लेसमेंट भी लग गया है, काफ़ी सारे लोग लाइनअप में हैं, सब लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। मोस्टली सब पंकज सर अकेडमी में ही हैं। तो अब आने वाले टाइम में इन लोगों का कुछ इंटरव्यू वीडियोस हम ले करके आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो यार वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा।